गढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। खरगोन में बीजेपी कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सदस्यता अभियान का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में सदस्यता अभियान के लिए प्रवास पर पहुंची पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने खरगोन बीजेपी कार्यालय में संबोधित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान की जानकारी दी। अर्चना चिटनिस का कहना है कि बुरहानपुर में 1200 फीट गहरे बोरवेल से पानी नहीं मिल रहा, पानी को बचाना चाहिए। मोदी ने पानी बचाने के लिए इस बार जल शक्ति मिशन के माध्यम से लोगों से अपील करने पानी बचाने की अपील करी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सदस्य बनाया सारे देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 118वीं जन्म जयंती के दिवस पर खरगोन में अभी स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हैदराबाद में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। हर जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को मनाते हुए स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है और देश भर में 9 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ, संकल्पित होकर कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत आज करी है और 9 करोड़ सदस्य देश में तब बनेंगे जब खरगोन में 1.5 लाख सदस्य पूरे बनेंगे और हम अपने लक्ष्य से आगे निकले। ये संकल्प और ये विश्वास यहाँ उपस्थित प्रत्येक कार्यकर्ता ने जताया। सदस्यता अभियान के दौरान एक अहम मुहिम छेड़ी है, इसमें एक सदस्य बनाया जैसे पौधा भी लगाना, ये संकल्प भी दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री बनने के बाद इस कार्यकाल की अपने पहले मन की बात में पानी को के प्रति जवाबदारी का संस्कार और स्वभाव हम सबका बने, इस पर विशेष आग्रह दिया है, जोर दिया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश भर में इस विचार को नीचे तक पहुंचाया था, जिसका हमको समाज के स्वभाव में परिवर्तन भी आज महसूस होता है, देखने में आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, अब हम सबको वर्तमान देश की परिस्थितियों को देखते हुए न केवल सरकारें बल्कि हर व्यक्ति पानी के प्रति जवाबदार हो, इसका प्रधानमंत्री जी का आह्वान मन की बात वाले दिन उन्होंने पहली बार किया और आज वही बात उन्होंने वाराणसी में पुनः दोहराई है कि पानी हम बना नहीं सकते, हम सिर्फ पानी को संभाल सकते हैं और पानी संभलेगा, पानी बचेगा तो मानवता धरती पर बनी रहेगी, देश समृद्ध होगा। जो सारे हमारा समृद्धि है उसके मूल में पानी है, हवा है और मिट्टी है, उसके प्रति जवाबदारी के लिए वृक्षों को हमें न केवल लगाना है बल्कि वृक्ष को हमारे यहाँ ईश्वर और राजा के रूप में दिखाना है। हमारे यहाँ कहा गया है कि हर पत्ते में मूले ब्रह्मा मध्य विष्णु शाखाए च महेश्वर पत्रे पत्रे तु देवाश्च वृक्ष राजाए नमो। ये वृक्ष राजा के रूप में जब तक विद्यमान रहेगा तब तक मानवता प्राणी जगत बनता बढ़ता रहेगा। इसलिए खरगोन जिले में एक विशेष अभियान सब मिलकर चलाएंगे, हर सदस्य एक पौधा लगाए भी और उस पौधे को परिवर्तन करे। एक सवाल था, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर विद्यमान है।